नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे फल या फ्रूट के बारे में जो अगर आप डायबिटिक हैं, यानी कि आपको अगर डायबिटीज़ है तो आप इनका सेवन डायबिटीज़ में भी कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ऐसे कौन कौन से फ्रूट्स हैं। दोस्तों पहले नंबर पर आता है अनानास। इसमें एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो शरीर की सूजन को कम करने में कारगर होते हैं। यह शरीर को पूरी तरह से लाभ पहुँचाता है। दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है अनार। यह फल भी बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को कम करने में असरदार होता है। अगली चीज आती है अमरूद। अमरूद में विटामिन ए और विटामिन सी के अलावा फाइबर भी होता है। अगली चीज आती है स्टार फ्रूट। यदि आपको डायबिटीज है तो आप यह फल आराम से खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको किडनी की बीमारी भी है तो इसे खाने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। दोस्तों अगली चीज आती है आड़ू। इस फल में भी जीआई बहुत कम होता है और डायबिटीज़ के मरीजों के लिए आड़ू बहुत फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों अगली चीज़ आती है आंवला। इस फल में विटामिन सी और फाइबर होता है जो शुगर के मरीज के लिए अच्छा माना जाता है। अगली चीज़ आती है अंगूर। अंगूर का सेवन मधुमेह की एक मुख्य वजह मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम के खतरे से आपको बचाता है। अंगूर शरीर में ग्लूकोज के लेवल को भी कंट्रोल करता है। अगली चीज आती है अंजीर। इसमें मौजूद फाइबर्स मधुमेह के रोगी के शरीर में इंसुलिन के काम को बढ़ावा देते हैं। अगली चीज आती है कटहल। यह फल इंसुलिन के लेवल को कम करता है क्योंकि इसमें विटामिन ए सी थियामिन नियासिन रिबाफ्लेविन कैल्शियम पोटेशियम आयरन मैग्नीशियम और कई सारी तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। अगली चीज आती है काला जामुन। दोस्तों मधुमेह के रोगियों के लिए यह बहुत ही लाभकारी होता है। इसके बीजों को पीसकर खाने से मधुमेह कंट्रोल में रहता है। अगली चीज आती है कीवी। कई रिसर्च के बाद यह बात सामने आई है कि कीवी खाने से ब्लड शुगर लेवल कम होने लगता है। अगली चीज आती है खरबूजा। इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होने के बावजूद भी फाइबर की मात्रा बेहद अच्छी होती है, इसलिए यदि इसे सही मात्रा में खाया जाए तो यह बेहतर होगा। अगली चीज आती है चेरी। इसमें जीआई मूल्य 20 होता है जो कि बहुत कम माना जाता है। यह शुगर के मरीज के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है। अगली चीज आती है नाशपाती। दोस्तों इसमें खूब सारा फाइबर और विटामिन होता है जो मधुमेह के रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। अगली चीज आता है पपीता। दोस्तों इसमें विटामिन और कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। अगला चीज आती है संतरा। यदि फल प्रतिदिन खाने से विटामिन सी की मात्रा बढ़ेगी तो मधुमेह सही होगा। अगली चीज आती है सेब। सेब में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये थे वो सारे फल जिनको अगर आपको डायबिटीज़ के मरीज हैं तो आप निश्चित हो गए इन फलों को खा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो और जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।